हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हम आज इधर आए थे राजेंद्र पुल में का वीडियो बनाने के लिए, तो आप सर देख सकते हैं पीछे मेरा व्यू। तो आप सबको आई होप ये वीडियो अच्छा लगे। आप सब देख सकते हैं इधर रेलवे का काम जारी है, और इधर देख सकते हैं दोनों का ये रेलवे का काम, और उधर राजेंद्र पुल जो है। आप सब तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप सब अगर नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब पर देख लें। तो चलिए आप सबको हम ऊपर जाके दिखाते हैं, 3 नंबर प्लेटफॉर्म आप सबको दिखाएंगे। ये सब आप राजेंद्र पुल का वीडियो जो नहीं देखें, राजेंद्र पुल का वीडियो नहीं देखें जरूर जाके देख लें। और चलिए गाइस लोग हम ऊपर चलते हैं, और जो जो मेरे मतलब ये वीडियो नहीं देखे हैं राजेंद्र पुल का, वो जाकर जरूर जाके देख लें। इधर देख सकते हैं आप सब, इधर रेलवे का काम अभी चल रहा है, ऊपर में देख सकते हैं ब्लॉक साइड में भी कुछ दूर तक काम चला है, और इधर भी देख सकते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर इधर से ट्रेन आती है और जाती भी है। इधर मतलब एकमात्र रास्ता है बिहार उत्तर दक्षिणी बिहार जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण है शायद दक्षिणी बिहार को जोड़ता है, और हंसदा स्टेशन मतलब एकमात्र ये रास्ता है पटना में, पर इधर भी एकमात्र रास्ता है गाइस। अगर आप आ रहे हैं तो नीचे से इधर आकर ऊपर आ सकते हैं। चलिए तो चलिए आपको पूरा स्टेशन दिखाते हैं। चलिए ऊपर आ गए हम, अब जाकर प्लीज़ मेरे यूट्यूब पर देख लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए हम ऊपर चलते हैं आप सबको, आई होप अब वीडियो अच्छा लगे ये। चलिए तो गाइस हम ऊपर आ चुके हैं, आप सब देख सकते हैं इधर इधर से नीचे का माहौल, और इधर पुल इधर से आता है मतलब 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आए हैं हाथा पर हम, और इधर देख सकते हैं उधर उधर मतलब अभी काम चल रहा है, जारी हो रहा है रेलवे का। आप सब उसका भी मेरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, और जो जो नहीं देखें जाके देख ले। इधर देख सकते हैं आप सब 3 नंबर प्लेटफॉर्म, अगर आप आने वाले हैं हथिदा पर तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आप सबको कुछ नहीं पता है तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप सबको दिखाएँगे। तो गाइस अभी चलिए हम आप सब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के दिखाएंगे गाइस। उधर देख सकते हैं आप सब रेलवे का काम जो है कि जारी है और चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वह देख सकते हैं गाइस इधर इधर बैठने का जगह, अगर आपको मतलब रात को बारिश वरिश हो रहा है तो इधर आके बैठ सकते हैं आप, इधर बहुत जगह है अंदर में। तो चलिए हम आगे गाइस इधर देख सकते हैं, इधर जो उधर भमरा है उधर भी रेलवे का जो पटरी बिछेगा वही मतलब इससे जोड़ेगा दोनों को। चलिए हम वहाँ पर आपको चल के दिखाते हैं गाइस, देख सकते हैं आप इधर जो कि इधर सारा काम हो रहा है, अब बहुत दूर तक काम हो गया है। इधर भी गाय लोग चढ़े हुए चढ़ने के लिए आ चुके हैं, तो घास तो नहीं है पर चढ़ने के लिए आए। इधर देख सकते हैं भमरा नीचे मतलब दूर तक जाते नहीं, जो 100 मीटर का 100 मीटर है, 100 मीटर का भमरा है गाइस। 3 नंबर प्लेटफॉर्म आप सब देख लिया गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आपको देखे होंगे तो आपको ये पसंद आया होगा। तो गाइस इधर ऊपर से नज़र ना आ रहा है, देख सकते हैं आप नीचे से नज़ारा, वो भमरा आपको अच्छा लग रहा होगा। इधर अभी मतलब काम ही चल रहा है रेलवे का, देख सकते हैं मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे जाके यूट्यूब पर देख लें। तो गाइस देख सकते आप चलते हैं हम गाइस प्लीज़, मैंने मतलब हथेला जंक्शन का स्टेशन का मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके मेरे यूट्यूब पर देख लें। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए गाइस लोग अब चलते हैं। तो गाइस अब अगर हंदा का स्टेशन का वीडियो नहीं देख, तो गाइस अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप जो मेरे चैनल पे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करते हैं। बाय बाय।